मैं यहाँ पर केजी मेडिकल कॉलेज में 1990 में लेक्चरर बना था, उसके पास से मैं सतत परिश्रम कर रहा हूँ। फिर मैं 95 में मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी में चार्ज संभाला और आजकल मैं डीन की तरह कार्यरत हूँ। तो हमारे अंडर में मैक्सोफेशियल सर्जरी विभाग आता है, जिसमें जबड़े की चोटें, ट्रॉमा, TMJ और तरह तरह के विकारों, कैंसर इत्यादि का हम लोग इलाज करते हैं। ये जो हमारा सेंटर और मैक्सोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट है, इंडिया का नंबर 2 पे आया है इंडिया टुडे रैंकिंग में। जब से मैंने डीन का चार्ज लिया है, पहले ये 6 नंबर पे आता था, जब से मैंने किया है इसको सेकंड नंबर पे कर दिया और जल्दी ही ये नंबर एक संस्थान हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारी अपनी मेहनत है कि हम अपना जितना वर्क करते हैं उसको हम लोग पब्लिश करते हैं जर्नल्स में, नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में हमारे वर्क पब्लिश होते रहते हैं। अभी तक हमारे 250 पब्लिकेशन हो चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। ये जो हमारा विभाग है ट्रॉमा सेंटर का, पूरे नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है। और जहाँ पर नेपाल, इंडिया, चाइना, यूके, यूएसए सब जगह से मरीज यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आते हैं। और हमारे जो स्पेशलिटी है ट्रॉमा और टीएम जॉइंट है, तो हम लोगों ने एक टीएम जॉइंट भी डेवलप किया है जो गरीब मरीजों के लिए है। यदि आप उसको बाहर से मंगाएंगे तो वो एक जॉइंट 2.5 लाख का कॉस्ट करता है, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की जिसके द्वारा इसको हम 2,000 रुपये में भी गरीब मरीज को लगा सकते हैं। नहीं, अपने प्रोफेशन को भाई जॉब सेटिस्फेक्शन होता ही, अगर यहाँ पर हमारे यहाँ जितने भी मरीज गरीब आते हैं या जितने भी चोट लगे मरीज आते हैं, ट्रॉमा के आते हैं, कैंसर के, ट्यूमर के आते हैं, हम लोग चाहते हैं जो वर्ल्ड में जो ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है उसी तरीके का हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, जो वर्ल्ड में जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट हम यहाँ देते हैं। तो जो अमीर मरीज को हम जैसी सुविधा देंगे वही हम गरीब मरीज को सुविधा देते हैं। इसमें हम लोग डिमार्केशन नहीं करते, हम अपनी जो बेस्ट एक्सपर्टाइज सभी को देते हैं इस तरीके से। हमारे साथ थे डॉक्टर सादाब जी, उनका कहना है कि उन्होंने पूरे परिश्रम के साथ, पूरी टीम के साथ काम किया, इस वजह से उनका पुरस्कार के लिए नाम चयन किया गया है। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ETV।